हाय टू ऑल, कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनदर वीडियो। सो कैसे, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं विगा क्रैक्स हेलमेट का। ये जो हेलमेट है ये कम बजट का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल हेलमेट है, और बात करें इसके डिज़ाइन की तो ये काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके प्राइस की बात करें तो ये 1300 से 1400 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हो। अभी ऑनलाइन सेल चल रहा है, तो अगर आप इसे अभी ऑनलाइन सेल से परचेस करते हो तो आपको 900 से 1000 की रेंज में मिल जाएगा। बात करें इस हेलमेट की बिल्ड क्वालिटी की, तो इस पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियोज पोस्ट की हैं, बट मैंने इसमें बहुत सी कमियां फेस की हैं, तो रिव्यू के दौरान मैं आपको बताऊंगा। सो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो हमारा जो हेलमेट है ये अनबॉक्सिंग के लिए रेडी है, और ये हमने अमेजोन से परचेस किया, तो इसके बॉक्स पे कुछ खास कंटेंट नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हेलमेट को बाहर निकालते हैं, रिव्यू को शुरू करते हैं। सो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरह का हेलमेट मिलता है। तो व्हाइट कलर की कैरी बैग में हमें मिलता है हेलमेट, एंड कैरी बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने हेलमेट को ओपन करने के लिए। तो इसके साथ हमें मिलता है दो बिल और एक यूजर मैनुअल। जैसा कि आप देख रहे हो कि दो बिल है, एक अमेजोन की तरफ से आता है और एक सेलर की तरफ से आता है। तो दो बिल है और एक यूजर मैनुअल, जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम इन्हें रखते हैं साइड में, एंड उसके बाद हम करते हैं अपने हेलमेट का रिव्यू। सो फटाफट से बॉक्स को उठाकर फेंकते हैं साइड में एंड करते हैं अपने हेलमेट का रिव्यू। तो ये हमारा हेलमेट, तो हेलमेट को फटाफट बाहर निकालते हैं, बताते हैं इसके अंदर क्या क्या कमियां रहेंगी हैं। तो ये विगा की तरफ से है कैरी बैग, आप देख सकते हैं इस पे विगा की ब्रांडिंग है, विगा डिजाइनर हेलमेट। तो फटाफट से इसे करते हैं साइड में एंड हेलमेट के बारे में आपको बताता है। तो ये हमारा हेलमेट है, तो नो डाउट इसका जो डिजाइन है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी प्रीमियम है, और एयर वेंटिलेशन है, सामने भी एयर वेंटिलेशन है और सामने इसके विगा की ब्रांड। तो यहाँ पे ISI का मार्क है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो नो डाउट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा, और इसमें तीन एयर वेंटिलेशन देखने को मिलता है जो अलग अलग काम करते हैं, एक हमारी चिन की तरफ, एक हमारे हेड के ऊपर और एक हमारे हेड के पीछे। तो इसमें जो कमी रहेगी वो रहेगी इसके वाइजर में, इसके जो वाइजर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, तो इसके वाइजर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और इसके अंदर से जो पकड़ है वो भी बहुत ही अच्छा है, और जो हमारे स्मॉल साइज के हेड हैं उनके लिए भी ये जो हेलमेट है वो अच्छा रहेगा। तो अगर आपका जो साइज है वो स्मॉल साइज है, और अगर आपको स्मॉल साइज का हेलमेट नहीं मिल रहा, तो आप एम साइज के हेलमेट को ले सकते हो। आपके जो हेड पे है वो एम साइज का हेलमेट जो है वो भी काफी अच्छे से वेयर हो जाएगा, और इसके जो अंदर से क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। बट इसके जो साइड से मटेरियल है जहां पे वाइजर सेट किया जाता है, तो वहां से जो इसके प्लास्टिक की क्वालिटी है तो वो बहुत ही घटिया है। एंड गाइस लास्ट में आप देखो इसका जो फ्लिप अप है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। गाइस मैंने आपको पूरे हेलमेट का रिव्यू दे दिया है, मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आप इस हेलमेट को परचेस करो। अगर आपको लगता है कि आपको ये हेलमेट परचेस करना चाहिए तो आप इस हेलमेट को परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ